से अल्लाह, बी बिस्मिल्ला, अलिफ से अल्लाह, बी बिस्मिल्ला, पे से पाकिस्तान, ते से ताज है इस धरती का, गिलगित बल्तिस्तान, मेरा सोना पाकिस्तान, मई वतन पर लिख पूरी दुनिया तेरे नक्श, मई वतन पर लिख पूरी जहान नक्श, कुंदे राम उस कौन गनुश यार कौन गनुश, कौन गनुश कौन गनुश यार कौन गनुश, मई चमन पर लिख पूरी दुनिया तेरे मेरा सोना पाकिस्तान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मेरा सोना पाकिस्तान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान। झील पहाड़ समंदर झरने सहरा थर तेरा, मेरी आँखों की ठंडक है हर मंजर तेरा, मेरी आँखों की ठंडक है हर मंजर तेरा, कैसे गीत न गाओ तेरे तू मेरा वजदान, सोना पाकिस्तान, मेरा गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ कुटवर लेक रामोश वैली, और यहाँ पे हमने काफी इंजॉय किया। कुटवर लेक का व्यू आपको दिखाया। इस लेक के राइट साइड पे एक पीक है, बहुत ही खूबसूरत पीक। ये पीक हमेशा 12 महीने स्नो से कवर्ड रहती है, और उसके नीचे बहुत बड़ा ग्लेशियर है। शोहरत है बेमिसाल ये अपने, दिल है दरिया, दिल है समंदर, रहता ऊंची शान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, सर क्या हाल है? ठीक ठाक। रामोश वैली आपको कैसी लगी? रामोश जी बिल्कुल नाकाबले फरामोश है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो खैर, हम पहले फेरी मेडो को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते थे, जी, हर साल जाते भी थे, मगर ये उससे भी फेरी मेडो से ये लाख दर्जे बेहतर है, बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, क्योंकि इसका जो है ना, इसमें चोटियां जो है ना बिल्कुल आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है, बिल्कुल। लैला पीक है, रामोश है। मेरे ख्याल में आपने कुछ बकरे का भी एहतमाम किया है रात को। ये जो ये अब हमारा कार्ड है, तो अब हमारे चैनल को देखें, आपको काफी गाइडेंस मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल। बहुत अच्छी काविश है आपकी के, थैंक यू। आप अपने इलाके के लिए, हम तो खैर दूसरे इलाके से हैं, मगर 30 साल से मैं टूरिज्म में काम कर रहा हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस तरफ रागब किया जाए। कुटवर लेक से आगे 20 मिनट की हमने वॉक की, ये आखिरी मोहल्ले में अभी हम पहुँचे हैं। यहाँ लोगों के छोटे छोटे घर हैं, मवेशी खाने हैं, बहुत बड़ा मोहल्ला है, और तकरीबन 45 से 50 घराने यहाँ इस मोहल्ले में आबाद हैं। अभी हम टेंट लगाएंगे, यहीं पे कुकिंग करेंगे।
प्याज ये सूखी है, ये डालो, ये जल्दी चलेगी, ये भी सूखी है, ये भी सूखी है। अब हिलाएं इसको, वो तो रही। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये पतीले में भर के पानी डालेंगे, क्योंकि इस पतीले में भर के हमने चावल तैयार किया है। नमक ऐड करेंगे अभी, ये है नमक, बस ऐसे भी नदीम भाई के मुंह में पानी आ रहा है इसको देख देख के। बस इसको ना ब्लेजर के हिसाब से, बस 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 अभी 5 मिनट और रखेंगे इसको, ये सही से दम पे आएगा। रात के 8 बजे हैं इस वक्त, बड़ा खूबसूरत मौसम है, बल्ती अकेले हैं, खूबसूरत मौसम है, सात बल्ती अकेले हैं, तेरे जुन्दे पांच बल्ती अकेले हैं, बल्ती अकेले हैं तुम, नहीं मस जग नहीं वांट, मैं वापस आऊंगा। पहले तो डक डक थोन बराबर रेडी है, बिल्कुल रेडी है, फुटक खाने खाने का तो अलग मजा आता है। वही 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 चलो सलाद, सलाद इधर रखो सलाद। ये हुई ना बात, अभी निकालो भाई, यह क्या कलर देखिए चावल का कलर, वाह। चलो चावल बड़े जबरदस्त बने, थोड़ी सी सलाद लेंगे और इसको ऐसे साइड पर रखेंगे, सलाद को हम सलाद में रैप करेंगे चावल को। वाह
रात को हमारा वो लड़कों के साथ मिलकर बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई, हमने आमने सामने टेंट लगा के मिल के कुकिंग की, मिल के खाए, बड़ा मज़ा आया। और सुबह जब उठे तो थोड़ा मौसम अबरालोद था, क्लाउडी था, अब दोबारा आसमान साफ होना शुरू हुआ है। ये है रुस्तम चक्की कुटवल, जो कुटवल वैली का वाहिद पंचक्की है, जहाँ पे यहाँ के पूरी आबादी अपने अनाज गंदम मकई वगैरह को पीस के आटे में कन्वर्ट करते हैं। पंचक्की एक मैनुअल एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने अनाज को आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिलेंडर में मकई गंदम कोई भी अनाज डाल देते हैं और ये यहाँ से कंट्रोल की जाती है और यहाँ इस सुराख में इसके जो देखें अनाज डालते हैं और ये नीचे इस बेस की जो पत्थर के ऊपर ऊपर की ये चीज़ घूमती है जो कि पानी के थ्रू इसके नीचे टर्बाइन सा बना हुआ है लकड़ी का, उसके थ्रू ये घूमती है और हमारे सारे अनाज पीस के इतने अच्छे क्वालिटी के आटे में कन्वर्ट कर देती है।